Dear friends, welcome in SNS Maths class. अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो हमने आपके लिए दो टू क्वेश्चन सेलेक्ट किया है एप्लीकेशन डायरेक्टिव के टॉपिक से जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड अपेयरिंग स्टूडेंट्स और ये प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में आ भी चुके हैं पहले ही. सो आप इनको मिस नहीं कर सकते. सो हेयर आर द टू क्वेश्चन. ये दोनों सिंपल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं. तो आइए क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर वन. दोनों ही क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो एक जैसी है, इसलिए हमने इस एक वीडियो में दोनों क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है. हमें प्रूफ करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, जहां फंक्शन है हमारा वाई इक्वल टू फोर साइन थीटा द होल डिवाइड बाय टू प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा. ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फोर थीटा इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई टू. इसका तो मुझे शो करना है, इसका तो हमें ये शो करना है कि 0 टू पाई बाई टू इंटरवल में ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? दिस इज द रूल. तो क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा. ओके, सो यहाँ तो क्वेश्चन रूल है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमेटर. तो आइए क्वेश्चन रूल से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं. क्या होता है रूल, हम लोग डिनोमेटर का स्क्वायर करते हैं, ठीक. फिर हम लोग डिनोमिनेटर को लिखते हैं, ये लिख दिया हमने, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं. सो क्या हो जाएगा, फोर कॉस थीटा. नाउ माइनस, अब लोग न्यूमरेटर को लिखते हैं, ये लिख दिया हमने फोर साइन थीटा, और टू का डेरिवेटिव जीरो और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव वन. ओके, आइए थोड़ा ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को. सो सी क्या आ रहा है, एट, फोर टू जै एट कॉस थीटा, देन वी हैव फोर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस का फोर साइन स्क्वायर थीटा द होल डिवाइडेड बाय टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस वन. ओके, ये आ गया आपका रिजल्ट है आपके पास. हम लोग यहां से चाहे तो क्या कर सकते हैं कि फोर को कॉमन करेंगे तो कॉस प्लस साइन वन आता है, राइट. लेकिन क्या कर रहे हैं हम, साथ ही साथ एलसीएम ले रहे हैं टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ओके, सो जैसे मैं एलसीएम लिया, सी क्या होगा, ये है एट कॉस थीटा, राइट, प्लस का देखिए इस फोर को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो तो जीरो, वो तो वन हो गया, सॉरी. इसका एलसीएम में ये माइनस का क्या आया, माइनस कहा गया टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ओके, आइए अब इसको भी ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को. ओके, सो एट कॉस थीटा प्लस का फोर, क्योंकि बाहर माइनस है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और सबको नेगेटिव करके लिखेंगे. सो ए स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर, देन माइनस का ही होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का ही होगा टू टू जै फोर कॉस थीटा द होल डिवाइड बाय टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. सी हियर, फोर फोर कैंसिल. ओके, ये दोनों तो फोर फोर क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ एट कॉस थीटा में से फोर कॉस थीटा, फोर कॉस थीटा बच जाएगा. सो वी हैव फोर कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा द होल डिवाइड बाय टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. ओके, सो सी फ्रेंड्स, हम कॉस थीटा को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा फोर माइनस का कॉस थीटा द होल डिवाइड बाय टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. अब एक चीज देखिए, क्योंकि हमें ये शो करना था कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग का मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए. अब सी, टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, रदर ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ व्हेन थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू, तो क्या होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव एंड 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट ना. सी इसलिए कि कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, जब हम 0 टू पाई बाई टू इंटरवल में रहेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, जो 4 से छोटा है. जब 4 में से उस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई भी एक नंबर जो आएगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा. तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है. सो होल क्वान्टिटी सिंपली पॉजिटिव, और होल क्वान्टिटी पॉजिटिव का मतलब कि मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आया. So in the interval 0 to pi by 2, derivative is positive. So therefore, the given function is an increasing function.
ओके सिमिलरली हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द ओनली डिफरेंस इज, आइए यहाँ क्वेश्चन ले रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अब हम जो डील कर रहे हैं वो एक रदर लॉग फंक्शन है. सी हियर माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, राइट. आइए डिफरेंशिएट करते हैं इन सेम मैनर, लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग. सो लॉग का डायरेटिव सिंपली 1 प्लस एक्स होगा, लॉग एक्स 1 ओवर एक्स, और 1 प्लस एक्स का डायरेटिव सिंपली 1 आता है माइनस. यहां क्या करना होगा, यहां पर हमें कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे. सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये रहा डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर 2x का डेरिवेटिव 2, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये रहा माइनस, और ये लिख दिया हमने न्यूमिनेटर, और जब 2 प्लस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा. ओके सो हियर यू हैव 1 माइनस x माइनस, यहां पर 2 प्लस x का है होल स्क्वायर, राइट ना. आइए फिर देखते हैं यहां पर क्या होने वाला है. सो 2 टू जो 4, राइट ना, 2 टू जो 4, अब ये प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया, सो दिस मच वी हैव, नहीं हमारे पास आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स एंड माइनस का 4 डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. अब हमें कहीं ना कहीं शो करना है कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट ना, दिस वी वांट टू नाउ. सो आइए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एलसीएम लेके देखते हैं कि 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो, साथ में 1 प्लस एक्स ना, एलसीएम तो ये भी आएगा ना, क्योंकि ये दोनों टू डिफरेंट थिंग्स हैं. जब एलसीएम लेंगे तो यहां हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, राइट. चलिए ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 2 स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 टू जा 4x माइनस 4 माइनस 4x द होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. अब देखिए 4x और 4 दोनों कैंसिल हो गया, सो वी हैव ओनली x square divided by 1 plus x and 2 plus x whole square. Okay, so see dear friends now, अगर x greater than minus 1 है, so x square तो always positive, क्योंकि यहां भी square है तो always positive. So the only thing is this one, that mean इस function का increasing होना या decreasing होना, it only depends upon 1 plus x. और since x is greater than minus 1, so it mean 1 plus x is greater than 0, so it is positive, means we can say dy dx is positive whenever x is greater than minus 1, so hence it is an increasing function. So here are, dear friends, two very simple questions. Rather, why I am saying simple, kyunki dono ka logic ek hai, but both are the good question for your बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.